नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। लाखों लोगों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई इस गारंटी से बेहद खुश हैं। यह यात्रा फरीदाबाद पहुंची तो लोगों ने आगे आकर इसका लाभ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से की थी। यही विकसित भारत यात्रा फरीदाबाद के सेक्टर 16 की मार्केट में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत को लेकर शपथ दिलाई। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है, और बहुत ही अच्छा है कि कुछ सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे। घर के पास में रह के ये एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड। क्या काम कराया आपने? हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजिली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। सो आई थिंक कितना उसमें देरी लगी होगी, और उससे पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे कि नहीं हो पा रहा था काम? नहीं, पहले तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, बट अभी यहाँ पे तो घर के पास ही है और 10 मिनट के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी का जो रथ है आज यहाँ पहुँचा है, काफ़ी लाभार्थी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार के लिए, किस तरह का धन्यवाद? सरकार का तो बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सेक्टर्स की भी बहुत अच्छी सेवा करी जा रही है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। यहाँ पे जी ये बुजुर्ग पेंशन के बारे में जानकारी मिली थी, इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो जी हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया, तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ, तो यहाँ 5 मिनट के अंदर मेरे काम हो गया। क्या काम कराया आपने? काम यही है जी, जो कागजात उन्होंने फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी जो कह रहे ठीक है जी। आपको कितनी देर लगी? ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे बस। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की आपको? देखो ये कैंप तो जगह जगह लग रहे हैं, एक दूसरे जगह जाने से पता लग ही जाता है भाई, इसके मामले में कैंप लग रहे हैं, थोड़ी आप वहाँ देखो जानकारी लो, तो हमें जानकारी मिली तो इसलिए हम आ जाए। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है, इससे बहुत फायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर काम हो रहे हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं, जो हफ्ते में छुट्टी नहीं कर सकते, उनका भी आज काम हो रहा है। और ये आदरणीय अजय गौड़ जी के प्रयत्नों से और माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी के प्रयत्नों से जो काम चल रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। तो पहले ये लग रहा था कि शायद हम लोगों को ना जोड़ पाएं, पर यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और लोग वाकई में काम अपना करा पा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए, मतलब वाकई में लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है, लोगों को बहुत जरूरत है, इस तरह के कैंप रेगुलर बेसिस पर लगने चाहिए, ना कि एक या दो दिन, अभी रेगुलर बेसिस पर हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों को, जानकारी दे रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, लाभ लें, कैसे ये सारे कार्यकर्ता बीजेपी के नेता होने के नाते करा पा रहे हैं? हम मंडल के माध्यम से, अपने जिले के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी जाती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह के, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सूचना भेज रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में आप आएँ और अधिक से अधिक लाभ। कितना खुश होते हैं जब लोगों के एक ही जगह पर सारे काम हो जाते हैं, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है। मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा कि आज मेरे को मेरी खुद तबियत ठीक ना होने के वजह के कारण, के बावजूद ही मेरे को जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बाद शायद चला जाऊँ, पर लोगों के साथ काम करके इतना स्नेह मिल रहा है कि मैं अपनी तबियत खराब होने के बाद भी जा नहीं पा रहा, मेरे को लग रहा है कि मेरे को और टाइम देना चाहिए। हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो बहुत सारी स्कीम का मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट था कि मेरा जो मकान है उसमें जो बिजली का कनेक्शन था, वो दो कनेक्शन थे, एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो
तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000, लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की, उन्होंने मुझे क्लेरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये ऑनलाइन फीस जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट PDF के मतलब हम सबमिट कर सकते हैं और वो 1 वीक और 10 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये कैंप लगने से एक ये फ़ायदा हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो है अपने हाउस टैक्स की समस्या हैं, अपने उज्ज्वला योजना की जो सिलेंडर की वो स्कीम है, या अपना हेल्थ से रिलेटेड कोई शुगर चेक कराना चाह रहा है, या अपना और कोई टेस्ट कराना चाह रहा है, तो वो सारी समस्याओं का यहाँ पे इंस्टेंटली समाधान हो रहा है। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया, वहीं गरीब लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ ही हो गए। अच्छा काम हो रहा, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ, अभी अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ, अपना अच्छा काम। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? वैसे तो मुझे यहाँ काफी टाइम हो गया, लेकिन बच्चे स्कूल से लेके आए, पता नहीं था यहाँ पे ये काम हो रहा है। हम तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफी काम हो रहा है, तो बच्चों को लेके आए, इनका अपडेट नहीं था आधार कार्ड, तो अब उनका बच्चों को लेके आए तो आधार कार्ड अपडेट। क्या कहेंगे सरकार के लिए? बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, खुश हैं, जल्दी। हाँ जी, बहुत अच्छा काम। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए? नहीं, मोदी सरकार दे आर डूइंग वेरी गुड। सो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं अभी जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है, तो मतलब वी आर वेरी यू नो हैप्पी विद द गवर्नमेंट। कितना अच्छा है कि लोग आसानी से, बिकॉज हाँ लोगों को हेल्प मिल रहा है ना, तो बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉलिसीज आर फॉर यू नो पब्लिक ओनली। कितना अच्छा है कि एक ही जगह पर ये सब आए हुए हैं ताकि लोगों को भटकना ना पड़े, दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कहीं पे भी सब लोग अवेलेबल है तो कोई भी काम आप कर सकते हो। आप क्या कराने आए, क्या सोच रहे हैं, कितना अच्छा है कि ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो? नहीं, मैं कुछ कराने नहीं आई हूँ, बट अभी ये अवेलेबल है तो हमको लग रहा है ना हमारे घर का भी एक काम अटका हुआ है, तो वो भी हम करा सकते हैं यहाँ पे। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां तुरंत दूर हो गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 28 से नगर निगम निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। भारत में विकसित संकल्प यात्रा एक योजना के तहत मोदी सरकार ने और हरियाणा की मनोहर सरकार ने पूरे एक महीने जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का, ताकि खाली योजनाएं बताने का काम नहीं है, इसके तहत योजनाओं का लाभ एक आम आदमी ले पाए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार दफ्तर तक नहीं पहुंच पाने के कारण में कई बार व्यक्ति रहता है। इसलिए ये संकल्प यात्रा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम आदमी तक जिसको उसकी जरूरत है वो उन तक पहुंचाने का काम। लाखों लोगों ने भारत सरकार और PM मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं, तो हरियाणा में भी CM मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि BJP सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रही है और घर घर जाकर उन्हें इन सुविधाओं का लाभ भी दे रही है। वहीं इस मौके पर लाभार्थी महिला और पुरुषों ने बताया कि उन्हें न केवल उज्ज्वला योजना के तहत मौके पर ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, बल्कि आयुष्मान कार्ड से लेकर फैमिली कार्ड आदि अन्य कई ऐसे काम हैं जिनको कराने के लिए उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री मोदी और CM मनोहर लाल के कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से रोज प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दे दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। ये यात्रा जब जगाधरी पहुंची तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में ये यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव शहजाद वाला, गांव सीपीओ वाला, गांव चूहड़पुर, मंगल सिंह और गांव तुगलपुर में पहुंची, जहां सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवलपाल गुज्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई, प्रगतिशील किसानों को और सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। मेरा नाम रेनु है, मैं सरजाद वाले की रहने वाली हूँ। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, जिसपे उनका ऑपरेशन हुआ है। मुझे उस आयुष्मान की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए नए आयाम स्थापित कर रही है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में आत्मविश्वास है। मैं मेरे पेंशन के चक्कर में मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरी पेंशन ना बनी। यहाँ किसान भवन में आया हूँ और यहाँ मेरी तुरंत पेंशन बन गया, मैं बड़ा खुश हूँ। कितनी देर लगी? कोई 10 मिनट भी नहीं लगे। कहाँ कहाँ घूमे अब तक? मैं वहाँ में तहसील में घूमे आज और 12 सेक्टर कोर्ट में घूमे आया, और मेरी पेंशन नहीं बन गया। क्या कहेंगे सरकार के लिए? खुश हैं जी, हम तो बड़ा अच्छा करा सरकार ने, हमें शुक्रिया करेंगे। खून मिल रहा भैया, बढ़िया मिल रहा। हाँ। और ज्यादा ज्यादा लाभ कहाँ चाहिए, जब घर सभी सुविधा मिल रही है, मिल रही है घर के पास ही। घर के पास में क्या कराने आए हैं? हम आधार कार्ड के एड्रेस चेंज करवाए आए। लग रहा है कि यहाँ आसानी से हो जाएगा, दूर नहीं भटकना। ऐसा जाए 4-4 दिना 6-6 दिना डोलाए हार के बैठ गए, अब न्याय के आ जाइए जाएगा तो सबसे बढ़िया सुविधा यही के लिए। अच्छा कर रही है सरकार? अच्छा कर रही है। अब भैया मोदी को अच्छा तो करे ना, गल्जन सरकार बनाता आइए जो अब रोजी अच्छा। काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कितनी देर में काम हो गया आपका, कितनी देर लगी? 10 से 20 मिनट में हमारा काम हो गया। क्या कराने आए थे आप? हम बच्चे का नाम चढ़वाने आए थे, फैमिली आई डी में। पैसे वगैरह नहीं लगे? नो। कितना अच्छा कर रही है सरकार, घरों के पास ही ये कैंप लग रहे हैं, दूर नहीं भटकना पड़ रहा। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ रहा, वरना बच्चे को ले जाने में और फिर लाने में दिक्कत होती है। घर के पास ही सारे काम फ्री में हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्ते को और मजबूत कर रही है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके घर द्वार पर सरकारी योजनाओं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर मिल रही है। वहीं लोगों की परिवार पहचान पत्र में त्रुटि दूर करने सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अपलोड कर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं करनाल के असंध खंड के पंघाला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कई विभागों की स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रमों में ग्रामीणों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए गए।
जहां कार्यक्रम में मौजूद उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के लिए शपथ ली। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।